सवाल नंबर एक, हजरते आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन तक भूखे रहे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद 40 दिन तक भूखे रहे थे। सवाल नंबर दो, कौन से लोग दूसरे लोगों से 40 दिन पहले जन्नत में जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये, ए महाजर, बी मजलूम, सी आलिम, डी इबादत गुजार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए महाजर लोग दूसरे लोगों से 40 दिन पहले जन्नत में जाएंगे। सवाल नंबर तीन, किस पानी को सिर्फ देखने से ही नजरें तेज हो जाती हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए बारिश का पानी, बी आबे जमजम, सी कुएं का पानी, डी समंदर का पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी आबे जमजम को सिर्फ देखने से ही नजरें तेज हो जाती हैं। सवाल नंबर चार, कयामत के दिन किन लोगों का नूर सूरज से भी तेज होगा? आपके ऑप्शन है ये, ए बावजू रहने वाले, बी फुकरा और मुहाजरीन, सी मुजाहिदीन, डी परहेजगार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी कयामत के दिन फुकरा और मुहाजरीन का नूर सूरज से भी तेज होगा। सवाल नंबर पाँच, किस बुराई के अंदर लातादाद बुराइयाँ हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए झूठ, बी सूद, सी तलाक, डी बिद्दत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी बिद्दत वो बुराई है जिसके अंदर लातादाद बुराइयां छुपी हैं। सवाल नंबर छः, किसकी आवाज़ सुनकर शैतान भागता है? आपके ऑप्शन है ये, ए अजान की, बी जिन्नातों की, सी मुर्गे की, डी उल्लू की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए शैतान अजान की आवाज़ सुनकर भागता है। सवाल नंबर सात, मलाइका अल्लाह की किस मखलूक को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए जिन्नात को, बी फरिश्तों को, सी इंसान को, डी जानवर को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी मलाइका अल्लाह की नेक मखलूक फरिश्तों को कहते हैं। सवाल नंबर आठ, पहली जुमे की नमाज में कितने नमाजी थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी पहली जुमे की नमाज में 40 नमाजी थे। सवाल नंबर नौ, नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये, ए सजदा, बी अत्तहियात, सी कोमा, डी सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी
नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को कोमा कहा जाता है। सवाल नंबर 10, वो कौन सा पारा है जिसमें तमाम सूरतें मक्की हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 19वां, बी 22वां, सी 25वां, डी 29वां। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, 29वें पारे की तमाम सूरतें मक्की हैं। सवाल नंबर 11, कौन सा मजहब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है? आपके ऑप्शन हैं ये, ए ईसाई, बी हिंदू, सी इस्लाम, डी यहूदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। सवाल नंबर 12, शुरू में कुरान मजीद किस भाषा में लिखा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ये, ए उर्दू, बी खते कूफी, सी इब्रानी, डी सुरियानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शुरू में कुरान मजीद खते कूफी में लिखा जाता था। खते कूफी अरबी का पुराना वर्जन है। सवाल नंबर 13, कुरान पाक की सबसे आखिर में मुकम्मल तौर पर नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ये, ए सूरह यासीन, बी सूरह नस्र, सी सूरह बकरा, डी सूरह तोबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत सूरह नस्र है। सवाल नंबर 14, कुरान पाक में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 4, बी 8, सी 12, डी 41। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान पाक में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 15, फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? इसका सही जवाब है, फ्रिज में आटे को देर तक रखने से उसमें कीमियाई बदलाव पैदा हो जाते हैं, जो कि आटे के खमीरा होने पर बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं और खाने से आपकी सेहत पर मुजर असरात मुरतब होने लगते हैं। आपने देखा होगा, फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटियां और नान पराठे ठंडे होने पर इतना मजा नहीं देते जितना ताजा आटे की रोटियां मजा देती हैं। माहिरीन कहते हैं कि पहले से गूंदा हुआ आटा फ्रिज में जाने के बाद अपनी असली हालत पर नहीं रहता और फ्रिज की गैस के मुअल्लक जर्रात भी उसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि पेट फूलने और मैदे की खराबी का बाइस भी बन सकता है, जिसकी ज्यादती पर आपको पेट खराब होने और कैक की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए 2 दिन से ज्यादा फ्रिज में आटा ना रखें, बेहतर यही है कि रोजाना की जरूरत का ताजा आटा गूंद कर उसे इस्तेमाल करें। इससे गजायत भी भरपूर और इफादियत भी बेशुमार होती है।